आज के टाइम में कोरियन ड्रामास की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। जब बात कोरियन ड्रामास की आती है तो उसे देखे बिना कोई रह नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपके लिए 5 एकदम कमाल के फैंटेसी कोरियन ड्रामास का रिव्यू लेके आया हूँ, जिन्हें देखने के बाद आप इनकी फैंटेसी की दुनिया में चले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 बेस्ट फैंटेसी कोरियन ड्रामास का रिव्यू। नंबर 5 का कोरियन ड्रामा आपको लॉजिकल भी लगेगा और इलॉजिकल भी लगेगा, पर जैसा भी हो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। वन सीजन के साथ 2019 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू। एक लड़की जिसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है कॉमिक बुक का और उसकी लाइफ का कंट्रोल एक राइटर के हाथ में है जो जैसे चाहे उसे वैसे चला सकता है, तो अब अपनी लाइफ का कंट्रोल राइटर के हाथ में से लेके खुद के हाथ में कैसे लेती है, देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस कोरियन ड्रामा की स्टोरी लाइन मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी और हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कोरियन ड्रामा आपको एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देगा और आपको आखिरी तक हुक करके रखेगा। ये कोरियन ड्रामा आपको जियो सिनेमा पे फ्री मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो कोरियन ड्रामा है वो इस लिस्ट का सबसे पुराना कोरियन ड्रामा है, पर आज भी उतना ही पॉपुलर है, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। एक ह्यूमन और एक मरमिट के बीच के रोमांस के बारे में इस कोरियन ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है। इस कोरियन ड्रामा में आपको जबरदस्त एक्टिंग भी देखने को मिलेगी, रोमांस भी मिलेगा, मिस्ट्री भी मिलेगी, जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। कोरियन ड्रामास की सबसे अच्छी बात यही है कि वो इमोशंस के साथ अच्छे से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ये वाले कोरियन ड्रामा ने किया है। इस कोरियन ड्रामा को आपको थोड़ा पेशेंट होकर देखना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी और बहुत सारे सीन्स खींचे हुए लगते हैं, पर अगर आपने इसे पेशेंटली देखा तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। ये कोरियन ड्रामा आपको सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। नंबर 3 पे फैंटेसी रोमांस के परफेक्ट मिक्सचर के साथ 2020 का 2 सीजन के साथ टेल ऑफ द नाइन टेल। इसमें आपको ह्यूमन और एक फॉक्स के बीच के रोमांस के बारे में दिखाया है और इस कोरियन ड्रामा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपको एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देगा, जिसमें आपको कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल, एक्शन और मिस्ट्री सब कुछ मिलेगा। इस कोरियन ड्रामा की सबसे कमाल की बात है वो इसके साउंड ट्रैक, जो आपको हर एक सेकंड फील होगा। मेल और फीमेल लीड की एक्टिंग भी कमाल की और फैंटेसी लवर्स के लिए ये मस्ट वॉच है। इसका फर्स्ट सीजन आपको नेटफ्लिक्स पे और सेकंड सीजन अमेज़न प्राइम पे मिल जाएगा। नंबर 2 का कोरियन ड्रामा इतना ज्यादा फैसिनेटिंग और कमाल का है कि इसे देखने के बाद आप गेमिंग की दुनिया में चले जाओगे। वन सीजन के साथ 2018 का मेमोरीज ऑफ अलाम्ब्रा। एक ऐसा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी गेम जिसे रियल वर्ल्ड में खेला जा सकता है और अगर कोई इस गेम में मरा तो वो रियल में मर जाएगा। इस कोरियन ड्रामा की स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा यूनिक और अच्छी है कि कोरियन ड्रामा आपको स्टार्टिंग से ही हुक कर लेगा। क्या कमाल की एक्टिंग की एक्टर्स ने और सपोर्टिंग कास्ट ने भी, जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देंगे। इसमें आपको रोमांस, साइंस फिक्शन, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा जो शायद ही आपने किसी और कोरियन ड्रामा में देखा होगा। ये कोरियन ड्रामा उससे जरूर शेयर करना जो कहता है कि कोरियन ड्रामा तो बेकार है। ये कोरियन ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगा। नंबर 1 का कोरियन ड्रामा इतना ज्यादा यूनिक और फैंटेसी से भरा हुआ है कि इसे फैंटेसी कोरियन ड्रामा लवर्स को एक बार जरूर देखना चाहिए। वन सीजन के साथ 2019 का होटल डेल लूना। एक ऐसा होटल जो सिर्फ रात को ही खुलता है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मर चुके हैं पर जिनकी कुछ अधूरी इच्छाएं बची हुई है। इससे ज्यादा यूनिक स्टोरी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी और ये कोरियन ड्रामा आपको शुरू के 1 मिनट में ही हुक कर लेगा। इसमें आपको हॉरर, रोमांस, एक्शन, मिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलेगा। इस कोरियन ड्रामा की सबसे बड़ी हाईलाइट है एक्टिंग के, कमाल की एक्टिंग की फीमेल लीड ने। ये आपको कहीं पर बोर नहीं होने देगा, बस इसकी एंडिंग थोड़ी सी सेटिस्फाइंग नहीं है, बाकी ये कोरियन ड्रामा बहुत ही अच्छा है। ये कोरियन ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। तो ये थी मेरी टॉप 5 बेस्ट फैंटेसी कोरियन ड्रामा की लिस्ट। अगर आपको मेरी ये रिकमेंडेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और ऐसी मूवीज और सीरीज की रिकमेंडेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली रिकमेंडेशन के साथ।